लोग अपने हाथों की लकीरों में कामयाबी ढूंढते हैं और बिना मेहनत की किस्मत को कोसते हैं, ये पल उनके लिए एक सबक की तरह था। और जिन लोगों को अपने किए पर भरोसा है, उनके लिए ये पल प्रेरणा देने के साथ साथ भावुक करने वाला भी था। वक्त था गुरुवार की शाम का और मौका था राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह का। एक के बाद एक कई दिग्गजों का नाम पुकारा गया, वो एक एक कराते और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान हासिल करते। इस बीच एक ऐसे शख्स का नाम पुकारा गया जो बेहद खास थे, डॉक्टर के एस राजन्ना। पोलियो के कारण अपने दोनों हाथ पैर गंवा चुके डॉक्टर के एस राजन्ना सामने आए और तालियां बजनी शुरू हुई। उन्होंने अपने निराले अंदाज में सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तालियों की गूंज और बढ़ती गई। फिर वो बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। दोनों ने हाथ मिलाया तो तालियों की गूंज पहले से कहीं ज्यादा हो गई। डॉक्टर राजन्ना इसके बाद पीएम के बगल में बैठे गृह मंत्री अमित शाह से मिले और इसके बाद चल दिए अपना पुरस्कार लेने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने से पहले डॉक्टर राजन्ना झुके और उस सम्मान के सम्मान में सिर झुका दिया जो उन्हें मिलने वाला था। राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया और उनके चेहरे से झलकी गर्व की चमक ने जैसे पूरे हॉल में रोशनी बढ़ा दी। मुड़े और दोनों भुजाएं उठाकर उस पल की सारी खुशियां समेटने की कोशिश की। लौटने से पहले एक बार फिर उन्होंने राष्ट्रपति को नमस्कार किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब जान लेते हैं इसे वायरल करने वाले इस नायाब शख्स की कहानी। बेंगलुरु से आने वाले डॉक्टर राजन्ना ने अपनी शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा में बदल डाला। उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। साल 2002 के पैरालंपिक में उन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और स्विमिंग में सिल्वर मेडल। वो एंटरप्रेन्योर भी हैं और उन्होंने करीब 350 लोगों को रोजगार दिया है, जिनमें से ज़्यादातर किसी न किसी तरह के शारीरिक विकलांग हैं। साल 2013 में डॉक्टर राजन्ना पहले विकलांग कर्नाटक स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बने। डॉक्टर राजन्ना को ये सम्मान विकलांग और दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए दिया गया है। डॉक्टर राजन्ना 9 मई गुरुवार का दिन कभी नहीं भूलेंगे और उनका वीडियो देखने वाले लोग भी उन्हें जल्दी नहीं बुला पाएंगे।